हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हों, जहां भी हों यार अच्छे हों, हमेशा सक्सेस रहें। भाई ये वीडियो है इकोनोमाइज़र के ऊपर ये वीडियो है। आपने हमने ये चीज़ें बताई है कि कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उसमें नाम में ही उसका काम छिपा रहता है। जैसे हमारा फिल्टर है, फिल्टर का नाम है, लेकिन फिल्टर आप नाम लेंगे तो उसका काम ही उसी में नाम में ही है, यानी फिल्ट्रेशन करना। कोई भी चीज़ हो, आपका AC फिल्टर हो या फिर आपका सिगरेट का फिल्टर हो, फिल्टर यानी वो चीज़ को फिल्टर कर देगी, जो आप ले रहे हैं केवल वही आएगी, बाकी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र का काम ये होता है यार कि चीज़ें को इकोनोमाइज करना। इकोनोमाइज यानी बराबर, यानी इधर का उधर, उधर का इधर, दोनों चीज़ें वो जो बराबर लेवल पे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। इकोनोमाइज़र का एक सीधा सा एग्जांपल ये है कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा है कि ये कंडेंसर से कहता है कि आप हमारी मदद करो, और फिर ये कंडेंसर कहता है कि ये जो हमारे एवोपरेटर को, वो उसको बोलेगा कि आप हमारी मदद करो। तो दोनों जो है मिलजुल के यहाँ पे काम होता है इकोनोमाइजर लगा के। ठीक है, ऐसा। अब ये काम कैसे होता है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। देखिए, कहीं भी ये चीज़ पूछी जाए इकोनोमाइजर का काम क्या है, तो पहला चीज़ होता है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। ठीक है, इधर से उधर कैसे? जो गैस, याद रखना, जो गैस कंडेंसर में पूरी तरह से लिक्विड ना बन पाई हो, यानी पूरी तरह से कंडेंस ना होने पाए। कंडेंस यानी होता है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो जो गैस पूरी तरह से कंडेंस ना हो पाई हो लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा कि इकोनोमाइजर का काम ये है कि वो जो लिक्विड नहीं बन पाई है, तो वो किस फॉर्म में रहेगी? वो फॉर्म में रहेगी वेपर फॉर्म में। तो उस वेपर फॉर्म को लिक्विड बनाने का काम जो है इकोनोमाइजर करता है। ठीक है, वो चीज कैसे करता है वो चीज मैं आपको बताएंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड वर्ड, इसका दो काम होता है। ये चीज तो हो गया पहला कि जो गैस ये कंडेंसर में कंडेंस ना हुई हो पूरी तरह से, यानी लिक्विड ना बन पाई हो पूरी तरह से, वो इकोनोमाइजर का काम ये है कि उसको लिक्विड बनाना। ठीक है, सेकेंड वर्क ये होता है कि जैसे आपके चिलर में, यानी कंप्रेसर में मान के चलिए चिलर में आपका लोड कम है, आपके चिलर में लोड कम है, तो क्या होगा कि गैस आपके वेपर से लिक्विड फॉर्म में जाने लगेगी। कि कहाँ पे? कंप्रेसर में, क्योंकि चिलर से जो गैस जाती है कंप्रेसर में, हमेशा याद रखना, वो चीज वेपर फॉर्म में ही जाती है। तो क्या होता है, अगर आपका चिलर अनलोड है, अनलोड होगा तो क्या होगा कि गैस पूरी तरह से वेपर फॉर्म में आपके कंप्रेसर में नहीं जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जाने लगेगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो डैमेज होने का चांस रहता है, जिसकी वजह से आपका ये जो लोड पे भी आता है आपका सिस्टम। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेकेंड वर्क उसका यहीं पे आता है कि एक लाइन लगा दी जाती है कि जो कंप्रेसर से, यानी जो कंडेंसर से जो हॉट गैस आती है, यानी जो हाई प्रेशर वाली, वो लाइन जो है उसी सक्शन लाइन में वो चीज कनेक्ट होती है, जिससे कि हाई टेम्परेचर की गैस वो पाके खटाक से जो लिक्विड फॉर्म में गैस है वो चीज वेपर बन जाए। आपको समझ में आया ये चीज कि जो गैस कंडेंसर में पूरी तरह से कंडेंस ना हो पाई हो, यानी पूरी तरह से लिक्विड ना हो पाई हो, उसको लिक्विड बनाना इकोनोमाइजर का काम है। और सेकंड बार उसका ये होता है, जो गैस कंप्रेसर में जो लिक्विड फॉर्म में आ रही हो उसको लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करके उसको वेपर फॉर्म में, यानी कंटिन्यूसली उसको वेपर फॉर्म में देना, वो इकोनोमाइजर का काम होता है। तो आप समझ गए कि इधर का उधर, उधर का इधर, यानी तू मेरी हेल्प कर मैं आपकी हेल्प करेगा, ऐसा है सिस्टम। तो अभी मैं आपको रियल बताता हूँ, चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये है एयर कूल टाइप के भाई साहब चिलर हैं। ठीक है, देखिए, ये है इकोनोमाइजर, ये इकोनोमाइजर है, चाहे आपका एयर कूल टाइप का चिलर हो, चाहे आपका वाटर कूल टाइप का चिलर हो। इकोनोमाइजर का काम यही होता है कि टेम्परेचर को ये कन्वर्ट करना, कंडेंसर को देना, जो गैस कंडेंसर में कंडेंस ना हो पाई हो उसको जो है कंडेंस करवाना है, यानी उसको जो लिक्विड बनवाना है, और एवोपरेटर से जो गैस जा रही है कंप्रेसर में, अगर वो पूरी तरह से वेपर में नहीं है तो उसको जो है पूरी तरह से वेपर बनाना। समझ गए? आई होप आपको ये आया होगा समझ में। ठीक है, अगर कुछ भी रहे ये डाउट कमेंट में, आप हमेशा ये चीज पूछ लेना, मैं आपको ये चीज बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ये है कंडेंसर से लाइन, ये है फिल्टर, ये कंडेंसर से आ रही लाइन। तो अगर जो गैस कंडेंसर में, मान के चलिए फैन की स्पीड स्लो है, या फिर किसी कारण यार की, मतलब किसी कोई भी रीजन की वजह से आपकी गैस जो है कंडेंस ना हो पाई हो, यानी वेपर से लिक्विड ना बन पाई हो, तो क्या करेगा? अगर पूरी तरह से यहाँ पे वेपर आएगा तो आपका सिस्टम जो है लोड पे जाएगा, हाई प्रेशर में जाएगा, तो उसको
उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखिए ये लाइन है, ये लाइन गई है, ये देखिए कभी ठंडी रहेगी, ये कभी गर्म रहेगी। अभी मैं आपको ये चीज बताता हूँ, देखिए ये गई है, ये गई है कंप्रेसर के सेक्शन में, जहाँ पे हमेशा जो है यहाँ पे चिल्ड लाइन, यानी हमेशा ये कभी ठंडी मिलेगी और ये जो है कभी गर्म मिले, तो इसके अंदर गैस रहेगी हमेशा। ये एक हाई प्रेशर का है और एक लो प्रेशर का है। ये सेंसर है जो कि काम आने पे अगर इसके अंदर, यानी अगर जैसे कि कंप्रेसर जो कंडेंसर में है, कंडेंसर से अगर कंटिन्यू जो है ये जो वेपर आ रहा है, तो वो हाई प्रेशर वाला बता देगा कि हाँ हाई प्रेशर जा रहा है, तो क्या करेगा वहां से गैस यहाँ पे आएगी। ये देख रहे हैं ना, ये गैस आई और यहाँ पे ये पूरे इकोनोमाइजर यानी ये एक पीएची है, यानी पीएची यानी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को ही यहाँ पे इकोनोमाइजर बना दिया। मतलब इकोनोमाइजर आपको मालूम है कि बस टेम्परेचर को ये कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दिया जाए, अगर यहाँ पे छोटा सा सेल एंड ट्यूब टाइप का एवोपरेटर भी लगा दिया जाता तब भी वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन कनेक्ट है, ये कहाँ से आ रही है, ये वही मतलब इकोनोमाइजर वाली लाइन है। तो यहाँ पे ये लगा दिए भाई साहब, तो यहाँ पे लगा के देखिए यहाँ पे निकल रही है, तो ये कंडेंसर से जो आ रहा है फिल्टर के साइड से, ये देखिए यहाँ पे, और ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको जो कमांड दे रहे हैं, ये एक्सपेंशन वॉल है, ठीक है, जो कि सोलेनाइड से ये कमांड ले रहा है, ठीक है। ये जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर जो है अगर कम रहेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ये जो कनेक्ट हुई ये लाइन ऐसे होती है अंदर से, यहाँ से लो टेम्परेचर की गैस आएगी और इसको जो है पूरी तरह से लिक्विड बना देगी, बराबर पूरी तरह से लिक्विड बना देगी। और ये देखिए इस तरह से ये है, ये वाली लाइन इधर से जाएगी और नीचे लाइन में ये इसका मेन एक्सपेंशन है, इधर वाला ये देख रहे हैं ना, इधर वाला ये मेन एक्सपेंशन है, और यहाँ से ये गैस चली जाएगी कंप्रेस, ये चली गई आपके एवोपरेटर में, ताकि एवोपरेटर को पूरी तरह से लिक्विड मिले, ठीक है। ये देख रहे हैं ना नीचे से, ये एक चिलर है जो कि सेल एंड ट्यूब टाइप का है, ठीक है। तो ये एक काम हो गया, यानी जो गैस आपकी कंडेंसर से आ रही है, अगर वो गैस वेपर से लिक्विड नहीं बनी तो वो इसके सहारे ये हमेशा ये जो ठंडा गरम होता रहता है, क्योंकि जैसे ही इसको कमांड मिलेगी, क्योंकि कभी चिलर लोड पे गया तो गैस जो है वहां से आएगी, यानी सक्शन लाइन से आएगी चिल्ड गैस, और अगर चिलर लो लोड पे गया तो क्या होगा कि यहां से गैस जाएगी उधर के लिए, कि हाँ वो गैस कंप्रेसर में जो जा रही है वो पूरी तरह से वेपर फॉर्म में जाए। समझ गया ना कि ये है इसका इकोनोमाइजर का काम, इधर का उधर करना। बात कहीं भी लगा हो, आपका ट्रेन चिलर हो, वाटर कूल चिलर हो, कोई भी चिलर हो, आपको समझ में आ गया होगा कि इधर का उधर करना बस इतना ही काम होता है, कि जो गैस कंडेंसर से आ रही है वो अगर पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुई है गैस, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं आई है, तो उसको उस गैस को पूरी तरह से लिक्विड बनाना, और जो गैस कंप्रेसर में अगर लिक्विड फॉर्म में जा रही है तो उसको जो वेपर बनाना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, तो आप ये जो है इकोनोमाइजर के लेवल से आप जो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।